साथ एसएसपी सतेंद्र सिंह मौजूद है। सतेंद्र जी, किवें देख रहे हो सारा इंसीडेंट, क्योंकि देशों विदेशों जो कॉल्स आ रही ने कि बहुत गलत होया, महाराज जी का स्वरूप अज तक नहीं थाणियां दे विच पहुंचया हैगा, किस तरह देख रहे हो इस जिहड़ा मैटर कल होया हैगा, उत्तों तकरारबाजी हुई है, उत्तों पुलिस कर्मी जिहड़े आ उह जख्मी होए ने। देखो, ये जिहड़ा सारा इशू आ, तुसीं वी कल सारे इत्थे ही सीगे जी, महाराज का स्वरूप सारे कोई भी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनन वाले, सारी दुनिया ही मानती गुरु ग्रंथ साहिब जी, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, सो उदी मर्यादा नूं रखना उदा सारा कुछ साडे सारे दा फर्ज बन जाता है जी। सो कल जो कुछ भी ये चीज़ां हो रही सी, तां साडी सारी फोर्स का यह भी एक उस वेले टॉप प्रायोरिटी बनी हुई सी कि महाराज के स्वरूप नूं उस गड्डी नूं कोई नुकसान ना पहुँच सके जी। सो सर्टनली वो महाराज का स्वरूप इदा लैके आना है तो गलत ही है जी। हाँ जी सतेंद्र जी, ये पूछना मैं चाह रहा था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि महाराज जी का स्वरूप लाए गए, लेकिन पुलिस उन्हीं की वजह से बेबस थी, महाराज जी की स्वरूप की वजह से। वैसे तैयारियां पूरी थी, अगर उनके समर्थक आते उनको रोका जाता, लेकिन महाराज जी का स्वरूप देख के जो पुलिस थी वो बेबस होगी, क्योंकि अगर वो उनको धक्के लगाते या उनको मारपीट करते या उनको पीछे हटाने की कोशिश करते तो बेअदबी का एक आरोप जो है वो पंजाब पुलिस पर लग जाता। ये बात सच है? ये देखिए, ये आप अपने सवाल का आप जवाब भी खुद ही दे रहे हैं जी। अगर अगर वहीं कोई क्लैश होता तो महाराज जहां गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो रखता है, उस गाड़ी को कोई नुकसान होता तो फिर वो बेअदबी तो हो ही जाती। अगर उस गाड़ी का कोई शीशा भी टूट जाता तो शीशा टूट के कोई चीज़ उसके उसके कांच के टुकड़े ही अंदर गिर जाते तो वो भी महाराज की बेअदबी तो हो ही जाती जी फिर। सो उसको जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पुलिस का उसको उसको अदब से रखना, उसको पूरे सत्कार से रखना ताकि कोई नुकसान ना पहुंच सके, ये भी हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। सतेंद्र जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है, अब तक कोई कोई ऐसा कोई समन पहुंचे हैं कि जो कल का इंसिडेंट हुआ है उसके लेकर पंजाब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है कि क्या कुछ हुआ है, कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है उसको लेके, जो जितने हथियार बंद है। देखिए पंजाब में क्या हो रहा है कि कोई भी हथियार उठाता है या फायर करता है, हवाई फायर करता है, उस पर पर्चा दर्ज होता है, लेकिन कल एक हम कह सकते हैं कि इवन पुलिस कर्मियों को भी थाने के अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, हथियारबंद जो नौजवान थे उनके समर्थक थे वो बाहर खड़े थे, उसको कैसे देख रहे हैं हम? देखिए, जितने पुलिस कर्मी थाने, मैं खुद थाने के अंदर ही था जी, तो जितने अंदर थे हम अंदर थे, जितनी पुलिस फोर्स बाहर लगी थी वो बाहर ही थी, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जितनी भी ये हम, क्योंकि कल से ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हम बिजी हैं और हर चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, जैसा भी कुछ प्रोग्रेस होगी हम आपको बता देंगे। आज छोड़ा जाएगा तूफान सिंह को, जैसे कल में सहमति बनी, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें, बाकी देखें जो जज साहब ऑर्डर करेंगे जी।